Students, good morning and welcome to another educational video on the topic of center of mass. So, you know, today's topic is very, very important. You can expect a numerical in NEET and JEE mains in your school examination on center of mass. See, center of mass is very, very important. And we will discuss multiple scenarios that help you calculate center of mass. So let's start with very simple situations where the masses are spread along a line and you're expected to find the center of mass. So सबसे पहले सबसे simple situation देख लेते हैं. इस situation के अंदर आपको एक x-axis के ऊपर, ये y-axis भी हो सकता है, z-axis भी हो सकता है. सबसे simple case के अंदर x-axis के ऊपर सारे मास पड़े. तो देखिए, ये आपका मास m है, ये आपका मास 2m है और ये आपका मास 3m है और ये पॉइंट O दे रखा है. दिस डिस्टेंस इज a, दिस डिस्टेंस इज 2a एंड दिस डिस्टेंस इज गिवन टू बी 5a. क्वेश्चन इज फॉर दिस कॉन्फिगरेशन ऑफ पॉइंट मासेस. देखिए, सारे मास पॉइंट मास है, पॉइंट मास. ओके, ये तो ओरिजिन है आपका, पॉइंट मास, पॉइंट मास एंड पॉइंट मास. द मेथड यूज्ड टू सॉल्व सेंटर ऑफ मास फॉर पॉइंट पार्टिकल सिस्टम इज गिवन बाय, देखिए, एक्स एक्सिस के अंदर है तो मैं एक्स की लोकेशन निकालना चाहता हूँ, मल्टीप्लाई बाय सिग्मा ऑफ ऑल द मासेस. देखिए, मेरे तीन मास हैं, I is equal to 1, I is equal to 3, is equal to m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3. आपको निकालना क्या है? Position of center of mass from the point O. Center of mass की location के लिए सबसे पहले coordinate system को define करिए और उसकी लोकेशन ढूंढने के लिए बताइए कि किस जगह से सेंटर ऑफ मास ढूंढ रहे हैं. मैंने यहां से इस पॉइंट को अपना ओरिजिन माना है और यहां से मैं सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकालूंगा. तो देखिए, आपका ये आ गया एक्स इंटू सारे मासेस का सम, एम प्लस 2m प्लस 3m इज इक्वल टू एम इंटू ए प्लस 2m इंटू एक्स टू. देखिए कैसे निकलेगा, 2a प्लस ए, 2a प्लस ए. और देखिए m3, जब हम m3 की बात करेंगे तो ये वाला मास हमारा m3 है, ये वाला मास हमारा m2 है और ये वाला मास हमारा m1 है. तो 5a मल्टीप्लाई बाय, देखिए ये डिस्टेंस जो है फ्रॉम द ओरिजिन वो 5a प्लस 2a प्लस ए, तो ये 8a हो गया मल्टीप्लाई बाय 3m होल डिवाइडेड बाय, अब x निकालते हैं तब ये नीचे चली जाएगी टर्म, 6m है ये, तो दिस विल बिकम ma प्लस 6ma प्लस 24ma डिवाइडेड बाय 6m is equal to 7 and 31 ma upon 6m is equal to 31 by 6a. तो ये आ गई आपकी सेंटर ऑफ मास इन तीन मासेस की फ्रॉम द पॉइंट O. तो ये जो डिस्टेंस निकला आपका, जिसको हम सेंटर ऑफ मास ऑफ दीज थ्री सिस्टम्स बोलेंगे, वो निकला 31 by 6m के ऊपर बेसिकली. तो आप कैलकुलेशन दोबारा चेक कर लीजिए, ये आपका m प्लस 2m, m इंटू ए, 2 इंटू 3 6 और 8a, 8a क्योंकि ये डिस्टेंस आपका टोटल जो है इसका जो पोजीशन है ओरिजिन से वो 2a प्लस 2a प्लस 5a प्लस a, ये आपका आ गया 8a. इसका अपना मास कितना है देखिए आप, तो आपका आ गया 6 प्लस 24 31. तो सेंटर ऑफ मास की जो लोकेशन आई है वो आपकी लगभग अप्रॉक्सीमेटली 5.1 a आई है. मतलब आपका जो सेंटर ऑफ मास है, अगर ये 3a और 3a के आगे 2, तो लगभग सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लोकेटेड है.
ये जो लोकेशन आपकी आई है. सो दिस इज वन. ये एक सिंपल कैलकुलेशन थी जहां पे आपने एक सिंगल लाइन में सेंटर ऑफ मास को ढूंढा. कुछ क्वेश्चंस के अंदर ऐसा नहीं होगा, कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपको सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए प्लेन में निकालना होगा, लेकिन अभी भी पॉइंट मासेस होंगे. तो देखिए, प्लेन का मतलब है दो कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो मान लीजिए सिचुएशन नंबर टू लेते हैं, यहां पे आपका जो मास का जो सिस्टम है, देखिए ये मास का सिस्टम है, ये एक मास है, ये दूसरा मास है, ये तीसरा मास है, और ये एक मास ओरिजिन के ऊपर ही पड़ा है. तो देखिए ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट जो है वो है 2a, 0, और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है 0, a, और इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा 2a, a, और इसका कोऑर्डिनेट 0, 0. मासेस दे रखे हैं, मास m1 इज इक्वल टू m, मास 2 इज इक्वल टू 2m, और मास 3 इज इक्वल टू 3m, एंड मास 4 इज इक्वल टू 4m. देखिए ये सारे मासेस एक प्लेन के अंदर है, वाई एक्स प्लेन के अंदर है. इसका भी मेथड सेम ही रहेगा जो आपने यहां पे यूज करा है. फर्क सिर्फ इतना आएगा कि आपको जो एक्स, इसका जो एक्स निकालना है आपको, वो आप निकालेंगे m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4. तो मैं अब इसके अंदर वैल्यूज डालता हूं. m1 इंटू 0, तो आपका पहला मास m है इंटू 0, क्योंकि उसकी लोकेशन x एक्सिस में 0 है. m2 की जो लोकेशन है, देखिए m2 आपका ये वाला मास है, इसकी x एक्सिस में कुछ लोकेशन है 2a, तो इसको 2a से मल्टीप्लाई कर लीजिए. m3 की भी कुछ लोकेशन है, वो है 3m मल्टीप्लाई बाय 2a. देखिए ये भी x के अंदर 2a पे लोकेटेड है. और लास्ट जो आपका मास है, जो m4 है, उसकी x पे कोई लोकेशन नहीं है, तो आप उसको लिख देंगे m4 into 0 होल डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द मासेस. तो आप देखिए m प्लस 2m, 6m और 4m, तो आपका ये 10m आ गया, और दिया आ गया आपका 4ma प्लस 6ma डिवाइडेड बाय 10m इज इक्वल टू 10ma डिवाइडेड बाय 10m. ये कटा और ये आपका आंसर आ गया a. तो देखिए आपका जो x कोऑर्डिनेट आया इसका, वो a आ गया. लेकिन ये क्योंकि प्लेन में है, तो आपको देखना पड़ेगा कि इसका वाई एक्सिस में भी सेंटर ऑफ मास निकलेगा. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस में निकालने के लिए आप लिखेंगे वाई लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द ओरिजिन. रेफरेंस पॉइंट अभी भी आपका ओरिजिन है, आप उसको लिखेंगे m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4. रिस्पेक्टिव वैल्यूज डालिए और आपका आंसर जो है y के अंदर भी कैलकुलेट हो जाएगा. तो देखिए m1 आपका लोकेटेड है y के पॉइंट ऑफ व्यू से, y1 0 है क्योंकि ओरिजिन के ऊपर है. तो 0 इंटू m आपका मास 2, उसके पास भी कोई y कोऑर्डिनेट नहीं है, तो आप देखिए आपका आ जाएगा मास 2 2m इंटू 0. और जो आपका m3 है उसका जो मास है 3m और उसकी जो y लोकेशन है वो a है. और अगर आप चौथे मास को देखेंगे तो उसकी भी एक लोकेशन है 4m इंटू a डिवाइडेड बाय, सबका सम कर लीजिए, m 3m 6m 10m. ये तो आपको पहले से ही मालूम था. और आप इसको देखिए 3ma प्लस 7ma डिवाइडेड बाय 10m, तो ये काट दीजिए और आपका आंसर आ गया 7/10a. तो देखिए जो y कोऑर्डिनेट आया उससे आपको y पार्ट में सेंटर ऑफ मास का क्या होगा, तो नेट आंसर हमारा होगा कि इस प्लेन सिस्टम के अंदर, जहां पे एक प्लेन के अंदर पॉइंट मासेस हैं, देखिए हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको बोलते हैं पॉइंट मासेस. ओके, क्योंकि ये मासेस की ना तो कोई शक्ल है ना कोई शेप है. तो रिजिड बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे,
पहले पॉइंट मासेस का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, एक एक्सिस में एक प्लेन के अंदर आपने वो ढूंढ लिया, तो आपका जो नेट आंसर आया वो आंसर आपका आया कि ए कॉमा 7/10 ए। तो देखिए ये आपका पहला आंसर आया फॉर द पॉइंट मासेस कॉन्फिगरेशन विच इज लोकेटेड इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, माने प्लेन के अंदर, और यहां पे एक सिंगल एक्सिस के ऊपर आप लोकेटेड थे। तो आज हम थोड़ा मैथमेटिकल मॉडलिंग कर रहे हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी वो पॉइंट होता है जहां पे उस बॉडी का पूरा मास हाइपोथेटिकली सेंटर्ड माना जाता है। ये एक बॉडी के ऊपर पोजीशन होती है जहां पे सेंटर ऑफ मास हाइपोथेटिकली हम बोलते हैं यहां पे लोकेटेड है। तो ये एक हम फिगर बनाते हैं और आप देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास, जैसे ये चार मासेस थे और ये भी चार मासेस थे, सेंटर ऑफ मास कहीं और लोकेटेड है। तो कई बार ऐसा होता है कि सेंटर ऑफ मास एक बॉडी का उस बॉडी के ऊपर नहीं होता, रिजिड बॉडी की बात कर रहा हूं मैं, पॉइंट मासेस में भी वही नोट करा जा रहा है कि सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बॉडी से दूर है, माने चारों मासेस से किसी और स्थान पे है। सो सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट एट विच ऑल द मासेस आर एक्सपेक्टेड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, दे आर एक्चुअली कॉन्सेंट्रेटेड, एंड यू नो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंजीनियरिंग एंड साइंस परस्पेक्टिव टू स्टडी सेंटर ऑफ मास। सो सेंटर ऑफ मास जो है साइंस में, इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ह्यूमन बॉडी का भी एक सेंटर ऑफ मास होता है और डॉक्टर्स जब इलाज करते हैं तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कई बीमारियों के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इंजीनियरिंग के अंदर भी सेंटर ऑफ मास का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करने वाला हूँ और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पॉइंट मासेस के ऊपर नहीं होगा, वो होगा बेसिकली थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स जैसे कि कंटिन्यूस बॉडीज, जैसे कि रॉड, जैसे कि एक स्क्वायर लेमिना, इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड बॉडीज जिनको हम कंटिन्यूस मास बॉडी बोलते हैं, उसके बारे में हम अभी टॉपिक को शुरू करेंगे। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा और दोबारा से हम इस टॉपिक को शुरू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। आप सेंटर ऑफ मास के बारे में बहुत ध्यान से पढ़ के जाइए, जेई मेन्स और नीट के एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन इसके ऊपर ज़रूर आता है और उसके अंदर थोड़ी सी आप देख सकते हैं मैथमेटिकल कैपेबिलिटी चाहिए होती है और सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्चुअल पिक्चर भी आपको पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी डिस्कशंस ऑन द टॉपिक ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब हम बात करेंगे कंटिन्यूस मासेस के बारे में। तो देखिए कंटिन्यूस मासेस का क्या मतलब होता है और वो पॉइंट से कैसे डिफरेंट होते हैं। देखिए मान लीजिए आपके पास एक बाइक है, ओके, और इस बाइक में बहुत सारे मासेस इन्वॉल्व हैं, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। तो देखिए ऐसे बॉडीज, ये तो कॉम्प्लिकेटेड बॉडी है, सिंपल बॉडीज भी हो सकती हैं, लेकिन आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा मैथमेटिकल है, उसको समझिए। देखिए अभी तक आपने जो सेंटर ऑफ मास निकालने का मेथड ढूंढा वो ढूंढा सिग्मा एम आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एम आई अपॉन एक्स, क्योंकि पॉइंट पार्टिकल्स थे, अलग अलग लोकेशन पे थे और उनका कोऑर्डिनेट मालूम था, तो इसलिए आप इसको बहुत सिंपली लगा सके। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ सिचुएशन विच इज अ बाइक, ओके। अ बाइक इज बेसिकली अ वेरी कॉम्प्लेक्स यू नो मास डिस्ट्रीब्यूशन, सो इसका सेंटर ऑफ मास ढूंढना इतना आसान नहीं है, लेकिन उसके लिए हमारे पास जो रेस्क्यू के लिए आता है वो आता है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो देखिए जब हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं सेंटर ऑफ मास लगाने के लिए, और हम बात कर रहे हैं अब कंटिन्यूस सिस्टम्स की,
दीज सिस्टम्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम पार्टिकल्स. ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंटिन्यूअस सिस्टम है, इसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है. कुछ टुकड़ा प्लास्टिक का बना है, कुछ टुकड़ा एल्यूमिनियम का बना है, और कुछ टुकड़ा इसका आयरन का बना हुआ है. तो लेकिन इसकी मदद से मैं आपको बताता हूँ करने की क्या कोशिश कर रहे हैं. तो देखिए, इसका जो सेंटर ऑफ मास है, जिसको आप एक्स कॉम मान लीजिए, सिर्फ अभी एक्स एक्सिस में निकाल रहे हैं. बहुत सारे इसके अंदर एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले लगाना होता है. इसके अंदर जो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट है, जब आप वो लगाते हैं तो उसके अंदर आप इसके अंदर एक छोटा सा मास लीजिए और उस मास की लोकेशन लिख दीजिए. तो आपका ये जो एम आई एक्स आई है, अब इस तरह से लिखा जा रहा है. आप बेशक एस जो है आप उसको एक्स में लिखना चाहते हैं, तो आप एक्स में भी उसको लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय सिग्मा डी एम. देखिए, यहां पे आप एक मोटर बाइक को बहुत छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दीजिए. ये आपके मोटर बाइक के छोटे छोटे हिस्से हैं, और हर हिस्से का आप डी एम, ये डी एम है, और इसका कोऑर्डिनेट, पहले आप कोऑर्डिनेट एक्सिस डिसाइड कर लीजिए. मान लीजिए कोऑर्डिनेट एक्सिस आपका यहां पे कोऑर्डिनेट एक्सिस लोकेटेड है, जो सीट के थ्रू निकल रहा है और दो पहियों के नीचे निकल रहा है. तो ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन आ गया. लेकिन इस प्रॉब्लम में, यू नो, इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास, बिकॉज यू नो यू हैव टू फाइंड द लोकेशन ऑफ ईच डी एम, यू नो, विच कैन रियली रियली बिकम डिफिकल्ट. सो इफ दिस इज डी एम, this is a vector. If this is the DM, this is the vector, and this is the vector. This is, so this can really get, you know, out of control, and it's very difficult to. So what we do is we use another technique. You know, definitely integration will be used, but you know, the way we will solve this and the kind of questions we will do will be less complicated. We will apply the same technique, which is essentially adding up of XDM, where DM is the mass of that continuous body and X is its coordinate. So hum har continuous mass ko chote chote masses mein todenge aur har chote mass ka coordinate system se uski location pata laga ke uska XDM karenge. Ye bahut hi cumbersome aur mushkil process hota hai, jaise ki abhi hum dekhenge. To ye to tha ki aap particle mass ke liye is method ko use karte hain, और जो आपके कंटिन्यूअस मासेस हैं उसके लिए आप ये मेथड यूज़ करिए. तो कंटिन्यूअस मासेस, प्लीज़ यूज़ दिस. मैंने आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल दिया है कंटिन्यूअस मास का. अब मैं थोड़ा इजी आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ कंटिन्यूअस मास का, और उसके बाद भी हम कॉन्सेप्ट की डिस्कशन करेंगे. तो देखिए, ये आपका एक रॉड है. दिस इज अ रॉड. ओके, रॉड की लंबाई एल है. रॉड एक लीनियर वे में ऑर्गेनाइज्ड है. इसका एरिया नहीं है, इसका वॉल्यूम नहीं है, इट्स अ लीनियर. इसमें जो मास की डिस्ट्रीब्यूशन है वो लीनियर है, और इसकी मास की डिस्ट्रीब्यूशन आप पर मीटर बेसिस पे अगर लेना चाहें तो वो ले लीजिए, कि इसकी जो पर मीटर मास है वो उसका लैम्ब्डा है. सो दिस इज इन किलोग्राम्स पर मीटर. बेसिकली ऐसी रॉड का जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है, मान लीजिए बिल्कुल यूनिफॉर्म है, और मान लीजिए सारी की सारी रॉड जो है एक ही मटेरियल की बनी हुई है, और इस तरह के न्यूमेरिकल जहाँ पे आपको रॉड के अंदर दो मटेरियल लगा दें, एक तरफ कॉपर लगा दें, एक तरफ एल्यूमिनियम लगा दें, उसका सेंटर ऑफ मास निकालने को भी बोल सकते हैं. इस तरह के क्वेश्चंस जेई मेंस में आ सकते हैं. लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं इसको, तो अगर ये लेंथ एल है, आपने इसका सेंटर ऑफ मास ढूंढना है. देखिए, इसके अंदर आप पहले तो एक कोऑर्डिनेट चुन लीजिए इसका, जो आप ओ मान लीजिए, ये इसका कोऑर्डिनेट है. उसके बाद आप इस रॉड को इस तरह से ऑर्गेनाइज करिए, और इसका जो आपने सेंट जो कोऑर्डिनेट सिस्टम का यहां पे लिया, इसके अंदर आप एक छोटा सा मास ले लीजिए डी एम. ये आपका डी एम है मास, और इसकी जो लोकेशन है फ्रॉम द ओरिजिन वो आप ले लीजिए एस, या एक्स ले लीजिए आप इसको, और इसकी जो विड्थ है वो डी एक्स है. तो देखिए, अगर इसकी विड्थ डी एक्स है तो इसका मास कितना होगा डी एक्स लेंथ का. एल
अगर लेंथ हो तो मास ऑफ द रॉड मान लीजिए एम दिया हुआ है, और अगर वन हो तो एम बाय एल दिया है, मतलब ये आपका लैम्डा है किलोग्राम पर मीटर, और अगर उसकी जो आपने छोटा सा मास लिया है उसका डी एक्स हो तो एम बाय एल इंटू डी एक्स। एम इज द टोटल मास ऑफ द रॉड और यूनिफॉर्म है तो डिवाइडेड बाय एल करने से एक फिक्स्ड क्वांटिटी आती है जिसको आप लैम्डा बोलते हैं। ये आपका आ गया डी एम। अब आपने डी एम को ढूंढ लिया है, अब मैं इंटीग्रेशन की मदद से एक्स कॉम निकालता हूं। देखिए रॉड को मैंने एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है इसलिए मैं ज्यादा इसके अंदर वाई वगैरह नहीं लिख रहा हूं, तो एक्स कॉम निकालेंगे, और एक्स कॉम को निकालने के लिए हम एक्स लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय डीएम करेंगे जो है एम बाय एल इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय डीएम, इसका भी इंटीग्रेशन हमें करना है, एम बाय एल इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एम बाय एल, आप दोनों में से कॉमन ले लीजिए और ये आ गया आपका एक्स डी एक्स। एक्स कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, जीरो से लेके एल तक, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन। मेरा यूट्यूब पे वीडियो है जहां पे डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में बताया गया और आप उसको ध्यान से सुनिए। डेफिनेट इंटीग्रेशन आपका थ्रू आउट नीट और आपका जो जेई मेंस है उसमें आपकी हेल्प करेगा, कुछ क्वेश्चंस 100% इंटीग्रेशन बेस्ड होंगे उसके अंदर। इसके अंदर भी आप एम बाय एल कॉमन ले लीजिए और ये आपका आ गया इंटीग्रल 0 to L, ये काट दीजिए आप इसको, ये आपका आंसर आ गया एक्स स्क्वायर बाय 2 डिवाइडेड बाय एक्स, और इसकी भी लिमिट आपकी 0 to L है, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं, और ये आपका जो है इसकी भी लिमिट आपकी 0 to L हो गई, तो एल स्क्वायर बाय 2 माइनस एल बाय देखिए डिवाइडेड बाय एल बाय 2। देखिए ये डिवीजन हो रही है यहाँ पे, दिस इज डिवीजन, सो मैंने इसको डिवीजन लिख दिया और ये मेरा इसेंशियली सिर्फ एल ही है, ये एल बाय 2 नहीं है, तो आपका नेट आंसर आ गया एल बाय 2। तो आपकी जो लोकेशन आई सेंटर ऑफ मास की वो बिल्कुल रॉड के मिडल में आई एल बाय 2। तो आपको मालूम चल गया विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन कि कैसे आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है कंटिन्यूअस मास के लिए जो सिंपल बॉडीज है। इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड बॉडीज आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ इसको पढ़ाने का जो फायदा है आपको समझ आना चाहिए कि इंटीग्रेशन और इस फॉर्मूले में फर्क होता है। ये फॉर्मूला एक ब्रिजिड बॉडी को छोटे छोटे मासेस में डिवाइड करके कैलकुलस जो एक अप्रोक्सीमेशन टेक्निक है उसकी मदद से आप निकाल सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन वेक्टर की फॉर्म में आता है तो आप एक्स कॉम के आगे लिख सकते हैं कि एक्स कॉम इज इक्वल टू एल बाय 2 आई, क्योंकि ये आई में लोकेटेड है। इसी क्वेश्चन को जो हमने पार्ट ए करा है, पार्ट बी के अंदर अब हम जाते हैं। इसी रॉड को हम किसी एंगल पे रख देते हैं, सेम रॉड है, ठीक है, सेम रॉड है, और इसको हमने एंगल पे रख दिया और ये एंगल इसका थीटा है, ये आपका वाई है और ये एक्स है और ये लेंथ एल है। तो देखिए इसमें आप कैसे इसको अप्रोच करेंगे, क्या आपकी स्ट्रेटजी रहेगी, इसके लिए मैं सॉल्व तो कर सकता हूं इसको, सेम मेथड लगाऊंगा मैं, लेकिन मैं आपको इसकी एक कॉन्सेप्ट बताता हूं जो आपको यूज करना है। देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम एक मैथमेटिकल टूल है, कोऑर्डिनेट सिस्टम इज अ मैथमेटिकल टूल विच इज यूज्ड ओनली फॉर सिंप्लीफाइंग द कैलकुलेशंस। इट इज बट द सेंटर ऑफ मास इज नॉट अ टूल, इट्स एन ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी, विच मीन्स वो जहां पे है वहीं पे रहेगी, तभी मैं उसको बोल रहा हूं ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी है वो। सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं होती है और जहां पे होनी है वहीं पे रहेगी। तो अगर इस रॉड का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे था तो आपने अब कोऑर्डिनेट सिस्टम चुन के उसको घुमा दिया और अब आप सेंटर ऑफ मास अगर निकालना चाहते हैं तो सेंटर ऑफ मास की जो लोकेशन ऑब्जेक्टिव होती है वो चेंज नहीं होगी। कहने का मतलब है सेंटर ऑफ मास इस रॉड सिस्टम के लिए भी सेंटर पे ही होगा, यहां पे भी सेंटर पे था
यहां पे भी सेंटर पे था। तीसरा एग्जांपल, आप मान लीजिए आपका जो रॉड का सिस्टम है, ये थोड़ा मैं छोटा ड्रॉ कर देता हूं, मान लीजिए आपने इसी रॉड के सिस्टम को आपने इस रॉड को आपने शिफ्ट करके नीचे की तरफ बना दिया। मान लीजिए आपकी जो रॉड है अब यहां पे इधर बना दिया आपने, ये आपकी रॉड ऐसे बना दी, या आपने रॉड ऐसे ड्रॉ कर दी। देखिए आप कहीं पे भी रॉड को बनाइए, कोऑर्डिनेट सिस्टम से आप लोकेशन का यूज करके इस पॉइंट की लोकेशन और इस पॉइंट की लोकेशन को यूज कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक मैथमेटिकल टूल है जो आपको लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑन द कोऑर्डिनेट सिस्टम बताएगा। लेकिन अगर आपको इसके कोऑर्डिनेट्स मालूम है, मान लीजिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका जो है वो 3.5 है, और इस पॉइंट का आपका जो टूल इस रॉड का अगर है 5.2, तो सेंटर ऑफ मास अब भी सेंटर में ही रहेगा। कहने का मतलब सेंटर ऑफ मास जो है 3 + 5/2, 5 + 2/2 पे ही लोकेटेड होगा। सेंटर ऑफ मास इज एन ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी, इट इज नॉट अ सब्जेक्टिव क्वांटिटी कि कोऑर्डिनेट सिस्टम बदल दे तो वो बदल जाएगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम पे वो कहां पड़ा हुआ है वो एक अलग चीज होती है, वो उसकी पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। लेकिन मास के ऊपर अगर वो यहां पे सेंटर में था तो यहां पे भी सेंटर में रहेगा, यहां पे भी सेंटर में रहेगा, और इधर भी सेंटर पे ही रहेगा। उसका एड्रेस और पता विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। तो नीट और जेई में एक क्वेश्चन 100% आपका इस टॉपिक के ऊपर आएगा, जिसके अंदर आपको सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन करने को बोली जाएगी, जहां पे आपको अलग अलग टाइप्स की शेप दी जाएगी। जैसे कि आपको एक शेप दे दी जाएगी जिसके अंदर सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए इसी रॉड को हम कर्व कर देंगे, और आपको पूछा जाएगा कि सेंटर ऑफ मास जो है इसका कहां पे लोकेटेड है। तो ये रॉड होगी और आपको इसका रेडियस मालूम होगा, और ये आर्क होगी एक, और आपको निकालना होगा इसका सेंटर ऑफ मास। मैथमेटिकल कैपेबिलिटी थोड़ी सी चाहिए होगी, और कॉन्सेप्चुअली आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर होगी, तभी आप इसको कर पाएंगे। आई होप यू लव दिस वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी सजेशंस एंड फीडबैक प्लीज प्रोवाइड मी द सेम। आई कंडक्ट लाइव क्लासेस एंड आई एम वेरी यू नो वेरी वेरी हैप्पी टू टीच द स्टूडेंट्स हु आर इंस्पायर्ड टू बिल्ड करियर्स, and the parents also think alike that it is very important to build a very strong career foundation right from the class 11th and class 12th. NEET and JEE, 60% of the syllabus is from class 11th. Do not ignore class 11th, take it very very seriously. All the concepts you learn in class 11th will be in front of you in the JEE and NEET examination. Aapki rank pe bahut zyada farak pad jayega agar apne class 11th ki taiyari nahi ki hai. Aap 12th में जाके अगर जागे तो 11th स्टैंडर्ड का कोर्स कवर करना बहुत मुश्किल होता है, और इट इज़ बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी क्लास 12th के अंदर 11th और 12th को कवर करने के लिए। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सम हार्ड वर्किंग एंड इंस्पायर्ड स्टूडेंट्स हु आर वेरी कीन टू बिल्ड करियर्स, एंड इट्स माई प्रॉमिस दैट इफ यू आर विलिंग टू पुट लेबर एंड आर करियर कॉन्शियस आई विल रियली मेक फिजिक्स ईजी फॉर यू। तो फिजिक्स को मैं आसान बना दूंगा उन बच्चों के लिए जो मेहनत करने के लिए तैयार है, इंस्पायर्ड है, और अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आई होप आपको सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट समझ में आया। मैं लाइव क्लासेस कंडक्ट करता हूं, उसका नंबर इस वीडियो के ऊपर आ रहा है। प्लीज कॉन्टेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप फॉर गेटिंग रजिस्टर्ड। थैंक यू वेरी मच।